नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह हमारा खेत है जिसमें कि हम गन्ना लगा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा गन्ना, जिसकी आँख 2 और 3 आँख वाला गन्ने का टुकड़ा हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें जो कि बिल्कुल स्वस्थ है। ये इसमें नीरा वैरायटी है गन्ने का, और इसके साथ साथ हम इस खेत में और 8005 गन्ना भी लगा रहे हैं। इस खेत में हमने 4 फिट पे लाइन से लाइन की दूरी 4 फिट है गन्ने की, और इसमें हम 2 और 3 टुकड़े गन्ने की एक साथ डाल रहे हैं। और इसके बाद हमारे लेबर लगे हुए हैं जो कि इस गन्ने को की पुराई कर रहे हैं। इसमें हमने 4-4 घंटे की शिफ्ट चलाने के बाद इसमें हमारे लेबर जो हैं इसमें फावड़े की सहायता से और अपने हाथों की सहायता से इस गन्ने को ढक रहे हैं, जो कि अच्छी तरीके से ढक जाए। और इसको 2 से 3 इंच बस हम लोग इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। ज़्यादा मिट्टी डालने पर हमारे गन्ने का अंकुरण सही नहीं होगा, इसलिए 2 से 3 इंच ही गन्ने पर मिट्टी डालें। और आप लोग देख सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी 4 फिट है, और गन्ने की आँख बिल्कुल स्वस्थ है रहनी चाहिए जो भी बीज आप चयन करें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़े करके अपने खेत में गन्ने के 2 से 3 गड़ेरी गन्ने के टुकड़े करके 2 या 3 गन्ना एक साथ डालकर उसे घर में मिट्टी को 2 से 4 इंच दबा देना है नीचे। इसके 20 से 25 दिन बाद आप लोग देखेंगे कि हमारा गन्ना अंकुरित हो जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, इस खेत में हमने 8005 और नीरा 86032 की अपडेट वैरायटी नीरा का हम लोग चयन करके इस वैरायटी को अपने खेत में लगा रहे हैं। और इसके किनारे पे आप लोग जैसा देख